ओके सो गाइज, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया ही होगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज का वीडियो हमारा जिनके हेयर्स ड्राई हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, उन्हीं के लिए होने वाला है कि वो अपने हेयर्स को रिपेयर कैसे करें, उन्हें शाइनी कैसे बनाए ताकि आपके हेयर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे और आपके हेयर्स काफी ज्यादा हेल्दी रहे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आपको भी अपने किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल, फैशन से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको केमिकल का यूज करना छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए। आपके लिए यही बेस्ट होगा कि जो हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, वैक्स, जेल, इन सब का यूज आपको कम कर देना है या आपको छोड़ ही देना है। जो नेक्स्ट चीज, आपको ड्रायर भी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना है। आपको अपने हेयर पर ड्रायर यूज नहीं करना है, आप अपने हेयर को टॉल ड्राई कर सकते हैं। तो अब जो आपको अपने हेयर्स को ठीक करने के लिए करना है वो आपको ये करना है कि आपको एग अपने हेयर्स पर लगाना है वीक में 2 टाइम्स। अब ये आपको तभी करना है जब आप घर पे हो, वरना इसमें से काफी गंदी स्मेल आती है। आपको पूरा होल एग लगाना है, यानी कि आपको पूरा का पूरा एग लगाना है। अब कुछ लोग मेरे पुराने वीडियो को देख के, मैंने एग अपने हेयर पर लगाकर दिखाया है, मैं कुछ लोग मुझे डीएम करके कहते हैं कि भाई एग का योक नहीं लगाते, सिर्फ एग वाइट लगाते, योक को फेंक देते हैं, आप इसके वीडियोस देखो, उसके वीडियोस देखो। देखिए, मैं इसमें किसी को भी गलत साबित नहीं करना चाहता, बट इस चैनल पर जो मैं बताता हूँ वो मैं वही बताता हूँ जो कि मैंने सीखा है और जो कि मैंने एक्सपीरियंस करा है। रीजन योक लगाने के पीछे ये है कि उसमें आयरन काफी ज्यादा होता है, जो कि हमारे हेयर्स को मजबूत करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है, एंड उसमें B12 भी काफी ज्यादा होता है, जो कि हमारे हेयर्स को ब्लैक करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सो योक लगाने में कोई भी बुराई नहीं है, आप इसे लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ। एग लगाने से क्या होगा, आपके हेयर काफी ज्यादा रिपेयर होने शुरू हो जाएंगे। एग में प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि आपके हेयर्स को ब्लैक एंड हेल्दी बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे और उनकी शाइन भी बरकरार रहेगी। देन जो नेक्स्ट चीज आपको करनी है, आपको उसके बाद शैम्पू कर लेना है जिस दिन भी आप एग लगाओ, क्योंकि उसमें से काफी गंदी स्मेल आती है और उसे उतारना भी आपको है। तो आप जब इसे कम से कम 30 मिनट्स तक लगा कर रखो, उसके बाद आपको शैम्पू कर लेना है। अब शैम्पू का भी आपको यूज कम करना है, एंड देन शैम्पू आपको सिर्फ उन्हीं 2 दिन करना है जिन दिन आप एग्स लगाओ। अब उसके आधे 1 घंटे बाद जब भी आपका मन करे आप सिंपली शैम्पू कर दे। और शैम्पू के बाद जो आपको ध्यान में रखना है वो आपको ये रखना है कि आपको कंडीशनर अप्लाई जरूर करना है ताकि आपके हेयर्स नरिश्ड रहें, आपके हेयर ड्राई ना रहें, क्योंकि शैम्पू हमारे हेयर्स को, ज्यादातर शैम्पू जैसे आते हैं जो कि हर कोई ज्यादातर यूज करता है, वो हमारे हेयर्स को ड्राई कर देते हैं। सो आपको कंडीशनर का यूज जरूर से कर लेना है। जब आप कंडीशनर भी वॉश कर लो, सो उसके बाद आपको जो लगाना है वो आपको 1 से 2 ड्रॉप सीरम लगाने अपने हेयर्स पर। आप कोई सा भी सीरम यूज कर सकते हो, 1 से 2 ड्रॉप से ज्यादा बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि सीरम का 1 से 2 ड्रॉप काफी होता है हमारे हेयर्स को शाइनी बनाने के लिए। इससे हमारे हेयर पर ऑयलीनेस नहीं रहती और हमारे हेयर्स काफी ज्यादा शाइनी लगते हैं। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। देन जो नेक्स्ट चीज आपको करनी है वो आपको ये करनी है कि आपको ऑयलिंग करनी है। अब ऑयलिंग आप वीक में 3 टाइम्स जरूर करें। अब शैम्पू, एक्स और ऑयलिंग को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, जैसा भी आपको ठीक लगे, क्योंकि शैम्पू आपको बिल्कुल भी ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि शैम्पू हमारे जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो हमारे स्कैल्प से प्रोड्यूस होते हैं उन्हें वो बहाकर ले जाता है। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज होती है हमारे हेयर्स के लिए, सो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। सो आपको 3 बार ऑयलिंग करनी। ऑयलिंग पर कुछ दिनों पहले ही वीडियो बनाया, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने बताया कि ऑयलिंग करने का सही तरीका क्या होता है, कितनी देर तक रखना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं अगर आप देखना चाहो तो। नेक्स्ट चीज आपको करनी है वो आपको अपनी डाइट बहुत ही ज्यादा अच्छी कर लेनी है, क्योंकि अगर आपकी डाइट ही अच्छी नहीं होगी, आपके इंटरनल जो बॉडी होती है ऑयल प्रोड्यूस करती है वो प्रोड्यूस अच्छे से नहीं होंगे, आपके इंटरनल बॉडी अच्छी नहीं होगी, सो आप कुछ भी कर लो, आपके हेयर्स बाहर से आप कितना भी कुछ लगा लो, आपके हेयर्स अच्छे नहीं होने वाले, आपके हेयर्स डैमेज के डैमेज ही रहेंगे, आपके हेयर्स ड्राई के ड्राई ही रहेंगे। एंड देन जो लास्ट चीज जो मैं कुछ दिनों से फॉलो कर रहा हूँ वो आप ये भी कर सकते हो कि आप जैसे सीरम का 1 से 2 ड्रॉप लगाते हो, आप वैसे ही ऑयल का, मैं कोकोनट ऑयल यूज करता हूँ, आप कोकोनट ऑयल का भी एक ड्रॉप काफी होगा ऑयल का, आप सिंपली उसे अपने हाथ पर, जैसे आप वैक्स रब करते हो आप सिंपली अपने हाथ पर पूरा उसे अप्लाई कर ले, देन उसके बाद अपने हेयर्स पर अप्लाई करें, उससे ऑयलिंग भी आपके हेयर्स पर नहीं रहेगी और वो एक ड्रॉप होता है, सो वो आपके हेयर्स पर अच्छे से भी लग जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपके हेयर स्टाइल में नहीं आने वाली। आप ये चीज 1 से 2 बार ट्राई कर सकते हो, इफ आपको लगता है कि हाँ आपके हेयर्स पर काफी ज्यादा ऑयलीनेस आ रही है, उससे आपका हेयर स्टाइल खराब हो रहा है, सो आप ये यूज ना करें, आप सीरम भी यूज कर सकते हो। तो बस गाइस, इतना ही था आज की वीडियो में। अगर ये सब चीज आप फॉलो करोगे सो आपके हेयर्स डैमेज से रिपेयर हो जाएंगे, आपके हेयर ड्राई नहीं रहेंगे, आपके हेयर शाइनी हो जाएंगे। सो बस गाइस, इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।